प्रदेश सरकार द्वारा लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएं अब तक चलाई गई हैं, जिसमें स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जा रही है। लेकिन जो लोग किसी भी उस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं है, उनके लिए अब यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम चलाई गई है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बनाने का कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार एक स्वास्थ्य कार्ड पर परिवार के 5 सदस्यों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। एक वर्ष के लिए सरकारी अस्पताल में विभिन्न बीमारियों के लिए नियमों के तहत तयशुदा राशि तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 365 रुपए कार्ड बनाते समय स्वास्थ्य विभाग के खाते में जमा करवाए जा रहे हैं। कार्ड बनाने के लिए लोक मित्र केंद्रों को अधिकृत किया गया है या किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जाकर फॉर्म भरा जा सकता है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के ध्रोच ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आम बीमारी से लेकर गंभीर रोगों के मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए 30,000 रुपए से लेकर 2.25 लाख रुपए तक आने वाले खर्च को स्वास्थ्य विभाग वहन करेगा। उन्होंने कहा कि ये कार्ड प्रतिवर्ष 365 रुपए की फीस अदा कर नवीनीकरण करवाया जा सकेगा। सोलन में अभी तक करीब 700 कार्ड बनाए जा चुके हैं। यूनिवर्सल स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले कार्डों में खामियां भी सामने आई हैं। सोलन के किसी भी क्षेत्र के निवासी के कार्ड पर बसाल पंचायत ही दर्ज हो रहा है, जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी की लापरवाही का जीता जागता प्रमाण है। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने उच्च अधिकारियों को सूचित कर ये त्रुटि दूर करने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि कब तक सॉफ्टवेयर की खामी को दूर किया जाएगा। इसके अलावा अभी तक जिन लोगों के कार्ड बन चुके हैं, उन्हें भविष्य में किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जो कैटेगरी, जो फैमिलीज बीपीएल में कवर नहीं है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना में कवर नहीं है, या जो है कहीं से भी मेडिकल रिइंबर्समेंट की एलिजिबिलिटी उनकी नहीं है, उन फैमिलीज के लिए जो है वो स्कीम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। इसमें जो है 5 फैमिली मेंबर्स के लिए एक कार्ड बनेगा। एक कार्ड बनवाने के लिए 365 रूपये जो है 1 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको इंश्योरेंस प्रीमियम देना होगा। जिन फैमिलीज को ये स्मार्ट कार्ड जो है वो बनता है, उनको 30,000 रूपये तक प्रतिवर्ष 30,000 रूपये तक की ट्रीटमेंट जो है वो कैशलेस दी जाएगी। इसके अलावा गंभीर बीमारी में उनको 1,75,000 रूपये और कैंसर जैसे गंभीर रोग के लिए उनको 2,25,000 रूपये तक की जो है वो इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए एलिजिबिलिटी बनेगी। ये जो प्रीमियम दिया जा रहा है ये 1 साल की, और उसके बाद जो है वो अगले साल फिर इसको जो है इतना ही प्रीमियम देके रिन्यू करवाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, इसके अंतर्गत जो है लगभग 700 कार्ड जो है अभी तक बनाए जा चुके हैं। सॉफ्टवेयर की दिक्कत जो है, अभी आपने जैसा प्वाइंट आउट किया है, इसमें एड्रेस की समस्या आ रही है। एड्रेस की समस्या हम हायर अथॉरिटीज के नॉलेज में लाएंगे, वो आपने जैसे प्वाइंट आउट किया उसको हायर अथॉरिटीज को हम लिखेंगे।